हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और आज व्लॉग काफ़ी काफ़ी दिन बाद बन रहा है। आई मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो चुके हैं, कोई व्लॉग नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आई, कोई शॉर्ट्स भी नहीं आया। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके लिए जो मतलब मेरी जहाँ मेरी मम्मी रहती है वहाँ पर कुछ ऐसा डॉक्टर का कुछ अच्छा सा मतलब ये नहीं है कि एकदम जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वहाँ पर मतलब अच्छे से डॉक्टर ट्रीट कर सके। वो है ना, फट से यही बोल देते हैं गुड़गांवा ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। और गुड़गांवा आधे घंटे का पौने घंटे का सफ़र है मेरे घर से, और दिल्ली तो देखो 1.5 से 2 घंटे लगते ही लगते हैं। तो फिर उस बीच में मैंने अपनी मम्मी को अपने पास ही बुला लिया कि आप यहीं आओ और मैं यहीं से ही आपको हॉस्पिटल लेके चलूँगी। तो हमने उनका ट्रीटमेंट कराया, 2 से 3 दिन के बीच में उनको आराम लगा है और तब वो ठीक होकर घर गई हैं। उसके बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। उनके सामने मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि होता है ना, देखो जब मन ख़राब होता है ना तो फिर ना कुछ अच्छा लगता है ना वीडियो तो बहुत दूर की बात है, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी आज मेरे से बोल भी रही थी कि तूने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा मम्मी अब आपको देखती या फिर ब्लॉग बनाती, क्योंकि जी व्लॉग बनाना ही मतलब एक सबसे बड़ा काम है। फिर उसके बाद उसका एडिटिंग होना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम था ही नहीं क्योंकि मम्मी को बार बार कभी किस डॉक्टर के पास कभी किस डॉक्टर के पास आराम नहीं लग रहा था। तो फाइनली जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनसे उनका ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ से आराम लगा। पहले हमने मतलब जहाँ से मम्मी का सफदरजंग से ट्रीटमेंट चल रहा था तो हमने पहले वहीं दिखाया था, वहाँ से उनको आराम नहीं हुआ। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से फिर उनको आराम हुआ। 2 दिन के लिए उनको एडमिट भी किया तो अभी वो काफ़ी हद तक ठीक है। और आज है सैटरडे, सेकंड सैटरडे, तो सभी बच्चों की छुट्टी है आज। तो यू भी अभी तक यहाँ पर सो रहा है, ये सो रहा, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और ये अभी तक सो रहा है क्योंकि रात में ही बोल के सोया था कि मम्मा मुझे जगाना मत, मुझे मेरी नींद पूरी करनी है। ये ठीक है, अभी वैसे भी जल्दी जग के करना क्या है, ट्यूशन भी शाम को ही जाना है, थोड़ा बहुत वर्क है वो दिन में कर लेगा अपना। और जी डेली का रूटीन शुरू हो चुका है। डेली का रूटीन जो है जैसे कि नाश्ता पानी हो चुका है और अभी मैंने लगा रखे हैं कपड़े क्योंकि बीच में कई दिनों तक कपड़े धुले नहीं थे तो बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने ये कपड़े लगा ली है मशीन, कुछ हाथ वाले भी हैं, ये हाथ से धोने हैं क्योंकि ये नए कपड़े थे, बीच बीच में पहने हुए थे 2-2, 3-3 घंटे के लिए, तो ये भी धोने हैं तो ये अभी धुल जाएंगे। अभी बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही थी चाय और मेरे हाथ से यहाँ पर कप एकदम छूट गया हाथ से और नीचे गिर के वो टूट गया है, तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और मतलब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हाथ से ना मैंने ऊपर से उतारा, एकदम हाथ से छूट के नीचे गिर गया, तो वो टूटना तो था ही। तो जी मैं बस वही सफाई कर रही हूँ कहीं किसके पैर में ना लग जाए। तो यहाँ पर मैंने सारा कांच उठा के फेंक दिया और फिर मैं झाड़ू लेने चली गई कि भाई यहाँ पर झाड़ू लगा लूँ। कभी छोटे छोटे जो कांच होते हैं वो देखो रह जाते हैं, कई बार दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर वो झाड़ू से मैं साइड कर दूँगी क्योंकि अभी चाय पीने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा करूँगी, अभी नहीं कर रही। तो बस अब मैं इसको साइड में ही कर दूँगी और उसके बाद फिर जो चाय रखी हुई है उसको भी मुझे पापा को देना है और ख़ुद के लिए भी डालनी है, यूवी के पापा के लिए भी डालनी है। तो जी यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है और इतने बीच में झाड़ू भी लग गई है। और यहाँ फ्रेंड्स पापा लाए थे गुड़, तो मैं उसको बांध के रख रही हूँ और चाय भी मेरी बन चुकी है तो वो मैं कप में डाल लूँगी अब। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो जी अभी कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी और लंच में आज बना रही हूँ मैं बथुए का रायता। यहाँ पर बथुआ उबल रहा है और यहाँ पर आलू उबल रहे हैं और आलू की आज बनेगी कचौड़ी बथुए का रायता। ये है आज का लंच। और कचौड़ी में डालने के लिए ये हरी मिर्च, ये हरा धनिया अभी तैयार करके रखा हुआ है, इसको अभी ग्राइंड करना है हरी मिर्च को। और अभी रख रही हूँ पहले मैं दूध उबालने के लिए। इतने आलू वगैरह उबलेंगे, पिट्ठी तैयार होगा, पेस्ट तैयार होगा सारा, इतने ही फिर दूध उबल जाएगा। मैंने यहाँ पर आटा गूंथ के रख रखा है, कचौड़ी के अकॉर्डिंग जैसे आटा गूंथता है थोड़ा पतला पतला सा वैसे ही है। तो जी ये है अभी का लंच, तो करते हैं फिर तैयारी। आलू अभी उबले नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इतने दूध रख देते हैं उबालने के लिए।
तो फ्रेंड्स आज है दिन संडे का और ये जो वीडियो है ये 2 दिन का जा रहा है, यानी कि सैटरडे का और संडे का। सैटरडे का मॉर्निंग में बना था और संडे को आज गुड आफ्टरनून का बन रहा है, यानी कि दोपहर का टाइम है। तो लंच की तैयारी मैं कर रही थी, तो लंच में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कचौड़ी बनानी है, तो फटाफट से उसकी तैयारियाँ, 1 घंटा तो देखो लग ही जाता है तैयारी करने में, आलू वालू ठंडा वंडा करने में भी। और दूध मैंने यहाँ पर रख दिया उबालने के लिए, क्योंकि अभी आलू भी नहीं उबले हैं तो इतने में दूध उबल जाएगा। थोड़ा सा लहसुन भी डाल रही हूँ उसमें, पहले इसको धो लेती हूँ, फिर इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए सिर्फ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बथुए को पीस लिया है, ठंडा हो चुका था, और यहाँ दही भी तैयार है, तो बथुए को मैं दही में डाल दूँगी और बस तड़का लगाना रह जाएगा। नमक और हींग मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि पानी में थोड़ा मिक्स करके उसको डालूँगी। बस इसमें मैंने नमक डाल दूँगी और लाल मिर्च डाल दूँगी और बस तड़का लगा देंगे बाद में। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा रायता यहाँ पर बन गया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। और देखो चाहे हम आलू के पराठे बनाएं या आलू की कचौड़ी बनाएं, तो उसमें ना जैसे रायता जो होता है एक मतलब अच्छा टच का काम करता है, तो टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दी है तैयारी। तो यहाँ पर मेरे आलू हो गए हैं, उबल गए हैं अच्छे से जैसे मुझे चाहिए थे, थोड़ा ज़्यादा ही उबल गए थे। तो जी चलो कोई नहीं, तो फिर इसको अब बस मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी फटाफट से। और उधर मैंने मिर्च और जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो भी मैंने दरदरा पीस लिया है और उसको भी निकाल के मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तैयारी हो गई है शुरू। तो लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च था उसका पेस्ट है ये, और थोड़ा चाट मसाला डाला है मैंने इसमें, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सौंफ भी डाली है और किचन किंग मसाला भी डाला है। लाल मिर्च थोड़ी कम डाली है क्योंकि हरी पहले से ही डली हुई थी तो ज़्यादा चटपटा हो जाता। और ये आलू भी छील के मैंने इसमें डाल लिए हैं, तो आलू थोड़े गर्म थे इसलिए मैंने अभी बीच में ये कट डाल दिया है ताकि जो भाप है वो निकल जाए और फिर मैं अच्छे से मैश कर सकूँ हाथ से। नमक सबसे लास्ट में ही डालूँगी और प्याज इसमें मैंने नहीं डाली है, थोड़ा हींग भी डाली है और बहुत सारा मतलब धनिया भी डाला है मैंने इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैंने फिर ये हाथ से इसको जो स्टफ़ था पूरा इसको मिक्स मैच करना था, तो अच्छे से इसको मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि हम उससे चम्मच से भी कर सकते थे लेकिन इतने अच्छे से वो ना मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने हाथ से करा। अभी काफ़ी गर्म लग रहा था मुझे, तो हल्के हल्के मैं कर रही थी हाथ से का, और हाथ मेरा बहुत बहुत जल रहा था इस टाइम पे क्योंकि आलू बहुत गर्म थे। तो थोड़ी चम्मच की हेल्प ली पहले, इतने ठंडा भी हो जाएगा, और उसको सारे को इधर से उधर पलट भी दिया मैंने, और उसके बाद फिर ये सारी मिक्स मैंने पूरा मैश कर दिया अच्छे से ताकि मसाला एकदम आलू के साथ मिक्स हो जाए, और जो नमक था क्योंकि वो मैंने बाद में डाला था तो वो भी मिक्स होना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारा मैंने धनिया भी इसमें डाला है, तो धनिया मैंने इसमें अभी डाला है, काफ़ी टाइम से मैंने उसको धो के अच्छे से काट के जो छन्नी होती है बड़ी वाली उसमें मैंने डाल के रख रखा था ताकि वो अच्छे से ना पानी उसका जो है निकल जाए, नहीं तो पानी अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो देखो मुझसे फिर ये चीज़ें ना बनती नहीं है, ना आलू का पराठे बनते हैं ना कचौड़ी बनती, क्योंकि फटने लग जाती हैं फिर। इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सूखा सूखा काम करती हूँ ताकि मेरी जो ये पिट्ठी है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल भी इसमें कहीं भी पानी का बिल्कुल भी नामो निशान ना हो। आज थोड़े आलू ज़्यादा बॉयल हो गए थे, वरना मैं आलू भी थोड़े ना कम ही रखती हूँ ताकि जो आलू है वो एकदम ना जैसे चिपक से जाते हैं ना वो चीज़ ना हो, खुले खुले से रहें, खिले खिले से रहें। तो आलू थोड़े ज़्यादा हो गए थे, चलो कोई नहीं, लेकिन अब बनाते हैं, बस हो गई है मेरी तैयारी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ बथुआ का जो मैंने रायता बनाया है उसमें तड़का लगा रही हूँ। तो तेल में बस मैंने जीरा डाल दिया है, हींग मैंने पानी में भिगो के ऐसे ही डाल दी थी, और बस इसमें जीरे का जो तड़का है वो लगा दिया है और मेरा रायता हो गया बिल्कुल तैयार। और अब बस मैंने जो कचौड़ी है वो भी मेरी बननी शुरू कर दी है। तो यू भी यहाँ पर पूछ रहा था कि मम्मा ये क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, तो बस मैं उसको बता रही थी कि बेटा ये ऐसे ही बनती है, तो वो कह रहा मम्मा मुझे छोटी छोटी बना के देना, मैंने कहा ठीक है छोटी छोटी खा लियो, तो बस मैं उसको यही बोल रही थी। और मैं मतलब इकट्ठा तीन तीन चार चार करके मैं तल रही थी, तो मैंने तीन तीन चार चार मैंने कचौड़ी बना बना के रख रखी थी ताकि फिर एक साथ तीन
तीन से चार कचौड़ी एक साथ कढ़ाई में डल जाएं और जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि लंच में एकदम ही फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ना हिसाब किताब थोड़ा हिल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ना इकट्ठा कर करके रख रही थी कि ताकि जब सब लोग आएँ तो फटाफट से मेरी कचौड़ी उनको रेडी मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी कचौड़ी बन गई है और आज लंच है कचौड़ी और बथुए का रायता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आज का लंच। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए और कर लीजिए लंच, कचौड़ी गरम गरम और बथुए का रायता। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी अलमारी, अंदर से मैं आपको कल या आज शाम को ही, मतलब जब मैं न्यू व्लॉग बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी इसमें अभी रखने हैं। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग, छोटा सा नहीं लंबा सा हो गया है, तो और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और बस रिक्शे वाले भैया को पैसे देने थे तो वो जा रहे थे, और बस ये अलमारी यहाँ पर अभी खड़ी कर दी है और अंदर भी रखवाएंगे अभी। तो फ्रेंड्स इसको इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।